Students, today we are going to start with the 8th chapter of your mathematics, which is introduction to trigonometry, right? Trigonometry के आपके पास दो chapters हैं, 8 और 9. 8th में आपने simple intro पढ़नी है उसके बारे में, और 9th में आपका application आ जाएगी. एक exercise उसमें, I think 16-17 questions हैं, तो उसमें हमने application part करना है. कुछ statement वाले questions होंगे, application based होंगे, daily use based होंगे, बेस्ड होंगे, तो वो हमने सॉल्व करने हैं. तो ये न्यू कंसेप्ट है आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री, और इसका आपने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर आपका 10th में है, 11th में भी है, 12th में भी है, और आगे अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह में जाते हैं तो वहां पर भी इसका जो है वो यूज है. तो बेसिक जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका 10th स्टैंडर्ड से, तो आपने ये थोड़ा सा अच्छे से समझना है. देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई का मतलब क्या होता है हमारे पास, थ्री, ठीक है, ट्रिग्नो, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है हमारा, साइड्स, और मित्रन का मतलब होता है मेजर. तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, एक ट्राइंगल होता है उसकी साइड्स के बारे में और या उसके एंगल्स के मेजर्स के बारे में हम रीड आउट करते हैं. और ट्रिग्नोमेट्री में हमारा जो ट्राइंगल यूज होता है वो हमारा होता है राइट एंगल ट्राइंगल. तभी हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा एंगल जो है ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा. अब देखिए यहां पर कुछ टर्म्स होती हैं. टर्म्स क्लियर करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट देती हूँ, ठीक है, जो आपको याद रखना है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं हमारे पास. क्या होता है बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनको टी रेशियोज भी बोलते हैं. तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं. कौन कौन सी? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, राइट. अब देखिए जो ये जो मैंने लिखा है ये मैं यहां से समझाती हूं. ये आपने एक सिंपल सा सेंटेंस है जो आपके याद रखना है, और बड़े हंसी मजाक में फनी वे में आप इसको याद भी रख पाओगे, और थ्रू आउट लाइफ आपको कभी भूलेगा भी नहीं. तो देखिए ये आपने कैसे याद रखना है. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. आई एम रिपीटिंग, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, बस इतना आपने याद रखना है. पंडित बद्री प्रसाद ऊपर, तो क्या बोलता है वो, हर हर बोले, ये नीचे, इसको लिखना है हमने साइन. साइन के बाद आता है कॉस, कॉस के बाद आता है टैन. रिपीटिंग, साइन, कॉस, टैन, ठीक है. साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है. तो बच्चे ये पी बी पी एच एच बी, ये हमें याद रखने की जरूरत क्यों पड़ी, बताती हूँ. पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी का मतलब होता है बेस, परपेंडिकुलर, हाइपरटेन्यूज, हाइपरटेन्यूज एंड बेस. तो इसका मतलब अगर आपने साइन निकालना है, साइन की वैल्यू निकालनी है, और आपके पास एक ट्राइंगल है, तो वहां से आप फॉर्मूला लगा सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूज. अगर ये दोनों चीजें आपको दी हैं तो आप साइन जो है वो निकाल सकते हो. सिमिलरली अगर आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है, अभी मैं इसके साथ कोई एंगल वेंगल नहीं लगा रही हूँ, सिंपल आपको बता रही हूँ, कॉस की वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपरटेन्यूज. टैन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपरटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. सेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपरटेन्यूज अपॉन बेस. कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो ठीक है बच्चे, अब आपने याद रखना है, यही मैंने लिखा है कि साइन ए जो है वो किसके बराबर होता है, वन अपॉन कॉसेक ए, ठीक है. साइन जो होता है, कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, या कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है. कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है या साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है, एक ही बात है. सिमिलरली कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का या सेक कॉस का. टैन कॉट का है या कॉट टैन का, ठीक है. आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा. अब देखो यही चीज मैं आपको यहां बताऊं. देखो अगर मुझे साइन थीटा देखना है, तो बच्चे यहां पर बहुत सी कंफ्यूजन होती है बच्चों को. हमने क्या करना होता है, जो साइन के साथ होगा ना, यहाँ पर ए होगा, थीटा होगा, अल्फा होगा, बीटा होगा, जो भी यहाँ पर होगा बच्चे, तो हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर देखना है थीटा कहाँ है. ये जो भी एंगल हमसे बोला गया है उसके अपोजिट, उसके बिल्कुल सामने जो साइड होती है ना, वो हमने लेनी होती है परपेंडिकुलर, और जिसपे वो बना हुआ है वो आ जाता है बेस, और थर्ड साइड आ जाती है हमारी हाइपरटेन्यूज.
मान लो अगर उसने मुझे बोला होता साइन ए निकालो, साइन का क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन अगर उसने बोला होता साइन ए निकालो तो क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप परपेंडिकुलर ये नहीं लोगे, अगर आप ए बी परपेंडिकुलर लोगे तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ए बोला ना उसने निकालने के लिए, तो ए के बिल्कुल सामने साइड कौन सी है, ये, तो परपेंडिकुलर क्या होगा उस केस में मेरा, बी सी, और बेस क्या आ जाएगा, ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो बेसिकली सेम ही रहता है, परपेंडिकुलर और बेस चूज करने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, बच्चे कई बार सीधी फिगर देख के ही लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। साइन या कॉस या टैन उसके साथ जो भी लगा होगा, एंगल ए होगा, सी होगा, थीटा होगा, तो आपने फर्स्टली देखना है वो कहां पर लाई कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। जहां पर वो लाई कर रहा होगा उसके अपोजिट जो साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी, और जिस पे वो लाई कर रहा होगा वो उसका बेस बन जाएगा। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करें तो वो क्या आएगा, वन आएगा, वो मैंने आगे किया हुआ है, मैं आपको बताऊंगी। सिमिलरली कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक थीटा क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के। तो टैन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो बच्चे, ये मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही स्लोली आपको इतना सा कंसेप्ट दिया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, तो मुझे नहीं लगता यहां तक अभी आपको किसी को कोई डाउट होना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में हमने टी रेशियोज पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़नी है। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। ये जो है इनके फॉर्मूले होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर के बेसिस पे हम इनके जो है सॉल्यूशंस निकालते हैं, वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, और उन वैल्यूज को, उन फॉर्मूलों को याद रखने के लिए सिंपल सा क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल टैन। ठीक है, यहां तक था हमारा ये इतना सा कंसेप्ट। अब देखिए एक चीज ये होती है, यहां अगर मैं देखूं तो टैन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, टैन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन ए अपॉन कॉस ए टैन ए के बराबर होता है। तो सिमिलरली कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है ना, क्योंकि क्यों लिख सकते हैं ये मैं बताती हूँ ना, टैन ए किसके बराबर होता है, वन अपॉन कॉट ए के बराबर होता है ना, तो अगर टैन है साइन अपॉन कॉस, तो कॉट इसका रेसिप्रोकल है ना, तो वो हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। और एक ये चीज भी, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे आ रहा है ना साइन ए इंटू कॉसेक ए, मतलब जो साइन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उसका रेसिप्रोकल आ रहा है ना, तो उसका आंसर वन होता है। वो मैं आपको फर्स्ट में बता रही हूँ, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉसेक उसका रेसिप्रोकल होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये कैंसल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ वन आ जाता है। सिमिलरली अगर कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल दोनों की मल्टीप्लीकेशन है तो वो भी वन आ जाएगा, टैन और टैन का रेसिप्रोकल कॉट है, दोनों की मल्टीप्लीकेशन है तो वन आ जाएगा। बच्चे ये किस केस में आपने देखना है, ओनली मल्टीप्लीकेशन के केस में, ऐसा नहीं है कि प्लस माइनस होगा तो तब भी वन आ जाएगा, तब नहीं आएगा वन, ओनली फॉर मल्टीप्लीकेशन, दिस कंसेप्ट इज ओनली फॉर मल्टीप्लीकेशन, राइट। एक चीज और है जो क्वेश्चंस में यूज होगी और जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखिए पावर्स होती हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, अगर ऐसे लिखा गया है ना साइन ए का होल स्क्वेयर, तो उसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर ए, सेम चीज है। कॉस ए का होल स्क्वेयर है तो उसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वेयर ए, टैन ए का होल स्क्वेयर है तो उसको हम लिख सकते हैं टैन स्क्वेयर ए। सिमिलरली अगर साइन ए का होल क्यूब है, मतलब जो होल होता है ना, तो वो अंदर इसको दे सकते हैं, एंगल को नहीं देना है हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देना है। कॉस ए का होल क्यूब है तो कॉस क्यूब ए, टैन ए का होल क्यूब है तो टैन क्यूब ए। तो सिमिलरली अगर कोई भी अगर होल है, तो अगर ये चीज मुझे दी है, इसकी जरूरत मुझे है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। सिमिलरली अगर ये चीज दी है तो मुझे इसकी जरूरत है, तो इसको लिख सकती हूँ। तो ये याद रखना कि ये जो अगर एंगल पे स्क्वेयर होगा ना, उसको नहीं लिख सकते ऐसे, ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे हम लिख सकते हैं ये वाला स्क्वेयर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, एंगल पे स्क्वेयर होना और इस पे स्क्वेयर होना दो अलग चीजें हैं, राइट। तो बच्चे ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, अभी इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
देखो बच्चे, एक तो मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री में आप जो भी ट्राइंगल से डील करोगे ना, वो राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा. क्यों? क्योंकि हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो उसमें आपने देखा होगा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज ही इन्वॉल्व होता है. ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल दिया है एबीसी. एबी एबी यहाँ पर है 8 सेंटीमीटर, बीसी यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर. फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए. अब देखो, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है एंगल ए की, मतलब साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए, हमने फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए देखो, ये भी मुझे साइड गिवन है, ये भी साइड गिवन है. तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है ना बच्चे, तो सबसे पहले उसकी तीनों साइड्स हमने फाइंड आउट कर लेनी है. तो तीनों साइड्स फाइंड आउट करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास बहुत अच्छा एक मेथड है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. तो आई होप पाइथागोरस थ्योरम इज वेरी मच क्लियर टू यू पीपल एज वी हैव स्टडीड अर्लियर इन इट नाइन्थ क्लास. ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी हमारी बच्चे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो तीन साइड्स हैं, तीन में से दो गिवन है, तो ऑब्वियसली थर्ड इजीली फाइंड आउट हो जाएगी हमारे पास. तो मैंने लगा लिया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 64 प्लस 36 100. तो ए सी कितना आ जाएगा मेरा 10 सेंटीमीटर. राइट, अब मुझे क्या निकालना है, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक, 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मुझे फाइंड आउट करनी है. तो साइन ए, तो सबसे पहले हम देखेंगे ए कहां पर है, यहां पर है. ठीक है, तो साइन ए का फॉर्मूला यहां से हम देखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. राइट, तो साइन ए यहां पर है बच्चे, तो इसके बिल्कुल अपोजिट जो होगा ना वो परपेंडिकुलर होगा. तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा, बीसी, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा एसी, तो बीसी अपॉन एसी. तो ये आ जाएगा 6/10, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3/5. सिमिलरली अब निकालेंगे कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो अब मेरा ये बेस बन चुका है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 8/10, तो ये आ जाएगा 4/5. सिमिलरली टैन ए निकालेंगे तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब 6/8. ठीक है, तो कोसेक निकालेंगे, तो कोसेक निकालेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 10/6. तो सेक निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, 10/8. कॉट निकालेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 8/6. तो इस तरीके से ये मैंने जो है सारी की सारी साइड्स निकाल ली. दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि हमने जो ट्राइंगल लिया है उसकी अगर दो साइड्स गिवन है तो उसकी तीसरी साइड निकाल ली जाए, और तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से इजिली निकाल सकते हैं. तीसरी साइड निकालने के बाद ये हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला सिंपल सा एक ट्रिक है, जिससे हम लगा के तो ये सारी की सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन उसमें भी हमने ध्यान रखना है कि कौन से एंगल पे हमें बोला गया है निकालने के लिए, जिस एंगल पे बोला जाएगा उसके सामने वाली साइड को हमने परपेंडिकुलर लेना है, और नीचे वाली साइड को जहां पर एंगल होगा वो वाला उसको हमने बेस कंसीडर करना है. अब देखिए, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि अगर कॉट थीटा 1/3 है, फाइंड ऑल द अदर टी रेशियोज. ठीक है, तो बच्चे इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में देखो क्लियरली नहीं है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, लेकिन सिर्फ हमें एक ट्राइंगल दिया गया है. तो अगर हम देखें कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो अगर ये बेस है, बेस मतलब अगर हम यहां से लेमन लैंग्वेज में देखें तो बेस क्या है 1 और परपेंडिकुलर क्या है 3. ठीक है, तो इसके साथ हम एक कॉन्स्टेंट अज्यूम करते हैं के. ठीक है, कुछ भी ले लो, कोई पॉजिटिव नंबर होता है ये, तो हम इसको ले लेते हैं, ये के है, ये 3k है. जब भी हमें ऐसे दिया होगा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेशियो की फॉर्म में दी होगी, ठीक है, तो तब हमने उसके साथ के अज्यूम करना है. पिछला क्वेश्चन जो आपने देखा उसमें क्या था, हमें सीधा दिया था कि ए बी सी इतना है, ए बी इतना है. तो जब वैसे दिया होगा तब के अज्यूम करने की जरूरत नहीं है. तो कॉट थीटा का हमने यहां से फॉर्मूला देखा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 1/3. तो यहां से हमने बेस आ गया मेरा ए बी, 1 नहीं लिखेंगे, के लिखेंगे, बीसी लिख देंगे 3k. अब ये साइड निकालनी है तो ऑब्वियसली पीजीटी लगाओ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर. तो ये हम निकालेंगे तो आ जाएगा 10k स्क्वायर, तो ए सी मेरे पास आ जाएगा √10k. अब उसने क्या बोला है, थीटा, थीटा पे निकालनी है, और थीटा हमारा है यहां पर, थीटा मेरा है यहां पर. इसका मतलब यहां से सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये लिखा है मैंने देखो परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 3k अपॉन √10k. अब के कैंसिल, 3/√10. सिमिलरली कॉस थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है
के, हाइपरटेन्यूज क्या है, अंडर रूट 10 के, 1 अपॉन अंडर रूट 10 के, सिमिलरली टैन, कॉस एक्स, सेक और कॉट हम ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी ऐसा ही है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है, ठीक है। तो साइन थीटा की क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर ये है ना, परपेंडिकुलर, तो ये कितना है 3k अपॉन हाइपरटेन्यूज, हाइपरटेन्यूज मतलब ये है 5k। तो सबसे पहले पैथागोरस लगा के हम ये ए बी फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब हमने पैथागोरस लगाई तो ए बी मेरे पास आ जाती है तब 4k। अब तीनों, ये तीनों साइड्स मेरे पास आ चुकी हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो, उसने ये बोला है कि सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं निकालनी, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है और बताना है कि वो जीरो आंसर आए। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा की वैल्यू निकालो, कॉस थीटा की निकालो, टैन थीटा की वैल्यू निकालो और यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो हमने पहले कॉस थीटा की वैल्यू निकाली। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपरटेन्यूज, बेस क्या है हमारा यहां से 4k अपॉन 5k, तो ये आ जाएगा 4/5। फिर निकालेंगे tan थीटा, tan थीटा क्या है, बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3k अपॉन 4k, तो ये आ जाएगा 3/4। तो यहां आई एम सॉरी, मैं साइन थीटा निकालना भूल चुकी हूँ। साइन थीटा क्या है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूज, दिस इज 3k अपॉन 5k इज इक्वल टू 3/5, राइट। तो ये तीनों वैल्यूज मेरी आ चुकी हैं। अब मैं ये LHS ले लेती हूँ, जो है मेरा 4 tan theta + 3 sin theta - 6 cos theta। 4 का आ गया 4, tan theta की वैल्यू डाल दी मैंने 3/4, प्लस 3 का आ गया 3, sin theta की वैल्यू डाल दी मैंने 3/5, -6 - 6, cos theta की वैल्यू डाल दी मैंने 4/5। ये 4 कैंसिल आ गया 3, 3 3 9/5, 6 4 24/5, 5 आ गया LCM, 5 3 15 +9 - 24, ये आ गया 0/5, दिस इज 0। देखिए ये 0 ही प्रूव करना था मुझे, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, सिंपली पहले इसकी ट्राइंगल की तीनों साइड्स फाइंड आउट कर लेनी है पैथागोरस थ्योरम से। फिर आगे अगर हमें बोला होता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, तो सिंपली ये फॉर्मूले लगा के रेशियोज निकाल लेनी थी, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला है, तो जो जो हमें नीड है हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इस इक्वेशन में डाल देंगे, तो LHS इज इक्वल टू RHS शो कर लेंगे। अब देखो बच्चे, ये क्वेश्चन है, जो चीज मैं आपको समझाना चाहती थी वो इस क्वेश्चन में है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने चूज किया है। देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा एबीसी, राइट एंगल हमारा बी पे है, ए बी है 24, बीसी है 7। डिटरमिन आगे जो भी करना है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया कि पैथागोरस थ्योरम लगाई और बीसी निकाल लिया, सॉरी एसी निकाल लिया, एसी आ गया मेरा 25 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स मेरे पास आ चुकी हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। उसने बोला है डिटरमिन साइन ए, साइन ए मैंने निकालना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूज लिख दिया, ठीक है। अब ए कहां पर है, यहां पर है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा ए के केस में, बी सी, और हाइपरटेन्यूज क्या होगा, ए सी। तो ये आ जाएगा बी सी अपॉन ए सी। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, कंसेंट्रेशन से फोकस करना। ए पे निकालना है तो ए पे परपेंडिकुलर ये नहीं होगा, ये बेस होगा। जब हम ए की बात करेंगे, परपेंडिकुलर क्या होता है, जिस एंगल की बात हो रही होती है उसके सामने वाली जो साइड होती है, दैट इज अवर परपेंडिकुलर। तो जब ए की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी, और हाइपरटेन्यूज सेम ही रहेगा, ए सी आ जाएगा 7/25। अब कॉस ए की अगर हम बात करें तो क्या है, बेस अपॉन हाइपरटेन्यूज। अब कॉस ए, ए ये है ना, तो बेस क्या होगा, जिस पे ये एंगल बना हुआ है, तो बेस क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन हाइपरटेन्यूज ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी 24/25। नाउ देखो, साइन सी बोला है उसने, फॉर्मूला तो सेम है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूज। सी किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है यहां। तो बच्चे साइन सी, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी। तो अब जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा मेरा, ए बी हाइपरटेन्यूज सेम रहा 24/25। सिमिलरली कॉस सी, कॉस सी इज बेस अपॉन हाइपरटेन्यूज, तो अब इसका बेस क्या होगा, जिस पे ये एंगल बना है, दिस इज बी सी अपॉन ए सी, तो दिस इज 7/25। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमें फिगर दी हुई है, इसमें हमें पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर। अगेन दो साइड्स गिवन है, तीसरी साइड गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम पीजीटी लगा के ये वाली साइड निकाल लेंगे।
तो यहाँ से हमारी जो बेस है वो आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना है टैन पी, पी हमारा ये है, ठीक है। तो अब हमने टैन पी का फॉर्मूला हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये पी है, इसके सामने वाली साइड हमारी आ जाएगी परपेंडिकुलर। ये हमने परपेंडिकुलर नहीं लेना है, ये परपेंडिकुलर लेना है पी के सामने वाली साइड। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 5/12, ये बेस आ जाएगा। अब दूसरा उसने बोला है कॉट आर, आर है तो यहां से हमने देखना है, कॉट का फॉर्मूला होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आर यहां पर है, ये आ जाएगा बेस और ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5/12। हमने क्या फाइंड आउट करना है, टैन पी माइनस कॉट आर। टैन पी की वैल्यू है 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू है 5/12, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या कह रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल्स, एक सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है यहाँ पर ये वाला एंगल सी, तो इसका मतलब ए और बी जो है वो दोनों एक्यूट होंगे। तो उसने बोला सच दैट कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी, तो हमने शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो बराबर हैं, मतलब 45-45 के हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो अगर कॉस का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब कॉस ए की बात करेंगे तो बेस क्या आएगा हमारा, बेस क्या आ जाएगा ए सी, और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा ए बी। और जब हम कॉस बी की बात करेंगे तब हमारा बेस क्या आएगा बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या आएगा ए बी। ये ए बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर ये 90 डिग्री का है तो बाकी के दो एंगल्स जो हैं इसके सेम होंगे। तो हैंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये क्वेश्चन है, अब ये ट्राइंगल है मेरे पास पी क्यू आर, राइट एंगल मेरा क्यू पे है। इसमें कंडीशन दी गई है कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर दो साइड्स का सम है 25 सेंटीमीटर, पी क्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। हमने वैल्यूज निकालनी है साइन पी कॉस पी टैन पी। तो सबसे पहले हमें ये तीनों साइड्स निकालनी पड़ेंगी, तभी हम इसकी वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं। तो तीनों साइड्स निकालने के लिए अगर हम कंडीशन देखें, इस राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर हम लगाएं पैथागोरस थ्योरम तो क्या आ जाएगा, पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। तो क्यू आर गिवन है 5 स्क्वेयर, ये क्यू आर जो है क्यू पी गिवन है 5 स्क्वेयर, ये क्यू आर इधर जाएगा, ये आ जाएगा पी आर स्क्वेयर माइनस क्यू आर स्क्वेयर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, लेकिन ये पी आर प्लस क्यू आर गिवन है कितना है 25, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 25 25 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1। तो पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। इन दोनों को एड करेंगे हम, तो ये क्यू आर कैंसिल, यहां से आ जाएगा 2 PR इज इक्वल टू 26। तो पी आर की वैल्यू मिल जाएगी 13 सेंटीमीटर। अब पी आर की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो यहां से क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो यहां से क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर और पी आर आ गया 13 सेंटीमीटर। तो अब हमने ये वैल्यूज निकालनी है साइन पी, तो साइन पी कॉस पी अकॉर्डिंगली जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, साइन पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आ जाएगा 12/13। कॉस पी आ जाएगा सिमिलरली 5/13 और टैन पी आ जाएगा हमारा 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर दिस इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट। तो यहां से देखिए 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, तो cot A आ जाएगा 4/3। अगेन हमारी वही सिचुएशन बन चुकी है, cot का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारा आ जाएगा 4K, कांस्टेंट लेना पड़ेगा यहाँ, और परपेंडिकुलर हमारा आ जाएगा 3K। दो साइड्स गिवन है पीजीटी से, थर्ड साइड निकाल लेंगे जो कि आएगी मेरी 5K, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो चीजें जरूरत है, पहले टैन ए कॉस और साइन, ये तीनों निकाल लेंगे। टैन ए, ये टैन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर है इसका बी सी और बेस है ए बी, 3/4। सिमिलरली साइन ए निकलेगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, और कॉस ए मेरा हो जाएगा 4/5। तो अब हम LHS लेंगे, 1 - tan² a/1 + tan² a। तो 1 - tan का क्या फॉर्म वैल्यू आई थी, 3/4 का स्क्वेयर, 1/3/4 का स्क्वेयर, तो इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1 - 9/16, 1 + 9/16, 16 LCM जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा 16 - 9/16। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 16 + 9/16,
16 में से 9 गए, आ गया 7 अपॉन 16 और यहाँ पर आ जाएगा 25 अपॉन 16. तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पर 9 अपॉन 16 मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पर 16 अपॉन 25. तो ये 16 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 अपॉन 25. ये LHS सॉल्व करके मेरा आंसर आ गया 7 अपॉन 25. अब RHS करेंगे तो cos A मेरा क्या था 4 अपॉन 5, तो उसका स्क्वायर लेना है, माइनस 3 अपॉन 5 इसका स्क्वायर लेना है. ये आ जाएगा 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25. तो ये बेसिस जो हैं डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे सिंपली. 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 अपॉन 25. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS इज इक्वल टू RHS, दैट इज 1 माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल 1 माइनस टैन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस.